अरे भाई लूट काटना कह रही है, गलत कह रही है। उसको लूट ही लुटेरी को लूट ही दिखाई देता है वो, है उनको लूट लूट दिखाई देता है। उसकी बिटिया जो है बियर बार चला रही है वहाँ गोवा में, गाय मांस बेच रही है, तब लूट काटा नहीं था। है वो आए गोवा के गुजराती ने नाटक फैला रही है बेटी पे, अस्पताल कर रही है कांग्रेसियों का लूट काटा है। अरे यार वो लुटेरी है, हाँ स्मृति रानी लुटेरी अमेठी को लूट ले गई और क्या, लूट ले गई अमेठी। राहुल गांधी अरे दवा कराते हैं भाई, वहाँ जाओ जिलाध्यक्ष हो जाओ अधिकारी हो, सबका इलाज होता है, अच्छे होकर घर आए हैं अपने, और क्या मुंशीकाल में संजय गांधी में और क्या। तो फिर स्मृति ईरानी कैसे करें, बड़े बड़े नेताओं के बेटे वहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं, वहाँ पे भाजपा के नेताओं के लड़के भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये सांसद को जो मिर्ची लगी है ना, इस बात की मिर्ची लगी है कि उन्होंने उनकी दुकान यहाँ से बंद होने वाली है, इसलिए वो राहुल जी को बार बार प्रताड़ित करने का और कांग्रेस को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। रोजगार नहीं दे पाए, जो रोजगार था छीन रही है। रोजगार वो क्या दे पाएंगी, वो तो जुमला देती है, यहाँ आती है जैसे उनका विजिट स्थल हो, ये अमेठी उनका विजिट स्थल है, आती है पिकनिक मनाने आती है, वहीं इधर पार्क वार्क बनाई है उसी में घूम घाम के चली जाती है। पिकनिक का करें पिकनिक, अरे वो तो यार पिकनिक नहीं, क्या क्या मनाती है आप खुद, जो बिना सांसद जीत चुनाव जीते हुए उसको मंत्रालय मिल जाए, कैबिनेट मंत्री बन जाए, तो क्या क्या मनाती है आपको भली बात पता है। यानी कि मेनका जैसी बुद्धिमान भाजपा में और महिलाएं हैं, एक से एक महिलाएं हैं, उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। ये चुनाव हारने के बाद मोदी जी को क्यों कैबिनेट मंत्री बनाते हैं भाई, आप हमें साजी मोटू क्यों। देखिए यहाँ पे स्मृति ईरानी जी केवल मंत्री नहीं बनवाएगा, पढ़ी लिखी महिला रही कितनी बार सांसद भाई चुनाव जीती है, वहाँ हुआ सांसद में सुना भाई मोबाइल में देख रही, कहे राहुल गांधी फ्लाइंग किसके हैं, खान फ्लाइंग किस है, कहे आगे कहानी रहे पीछे कैसी लग गई उनका यह हाल है, जैसे वो कहे यहाँ जिंदगी भर, जैसे वो कहे यहाँ, जैसे उनके चरित्र पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखता है, राहुल तो कहीं चुम्मा ले चुप रहा राहुल, माया फैलाया है पूरे देश में, हाँ और जैसे चुम्मा ले तो कहना चाहिए चुम्मा ले, विदाइते हैं हो विदे हो विदे, राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, पूरे देश में चला रहे हैं, बुजुर्गो से महिलाओं से उनके लिए माताएं हैं बहने हैं बेटियां हैं, जिसको जिस नजर से देखो वो किस नजर से देखी सांसद में, और उन्हीं की पार्टी की सांसद वो क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उनका हेमा मालिनी जी, तो हमको दिखाई नहीं दिया कुछ कि फ्लाइंग किस कब लिया राहुल गांधी ने अमेठी वाले 2019 में क्या। राहुल जी करते करते उनका माइंड खराब हो गया है, उनका चुनाव जीता है अमेठी में, अमेठी के लोगों ने वोट कहीं से कम नहीं दिया राहुल जी को, बात समझे आप, पूरी जनता ने उनको नहीं हराया, सिस्टम ने चुनाव हराया है, बिल्कुल दो जगह से ना लड़े होते और यहीं से राहुल जी लड़े होते चुनाव, तो फिर वो 2 लाख से चुनाव जीते, क्योंकि शेर की धमक बिल्कुल अलग कम नहीं होगी। मसाला है पूरी अमेठी मसाले की गंध से रात को सो नहीं पा रही है, वो स्मृति ईरानी को पैसा देकर खरीद रहा है वो, और पूरी अमेठी को बदनाम कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन में एक होमगार्ड की तबीयत खराब हुई, पूछिए कहाँ इलाज करा रही है, 7 लाख वोट दे रही है, आ रहे हैं क्या भैया, एकदम 110% राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, और स्मृति ईरानी की जितनी झूठ की दुकान थी वो सब बंद होगी और अमेठी वासी बंद करके दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों का अड्डा था बंद हो गया, कांग्रेसियों का अड्डा नहीं था, कांग्रेसियों का अड्डा नहीं था, वहाँ पे डेली 2000 से ऊपर की ओपीडी होती थी, आम जनमानस का इलाज होता था, और भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वयं वहाँ पे जाके इलाज करा रहे थे, तो इसका मतलब भाजपा के जिला अध्यक्ष भी वहाँ दुकान पे बैठते थे। क्या कहेंगे फैमिली है डन मस्ट डेवलप इन द अमेठी, स्मृति ईरानी है नॉट डन एनी वर्क इन द अमेठी, she has finished the Amethi, finished the Amethi, or again Rahul Gandhi, again Rahul Gandhi will come the Amethi, जो Amethi by known every person in the world, उसकी देन गांधी फैमिली है, गांधी फैमिली, let me say, हत्यारे हैं, हत्यारे नहीं, जैसा जिसको जो जैसा होता उसको वैसा दिखाई देता, इसका तो विनाश होना है, सुन लीजिए, she has lost her sense, she has lost her sense, कहता है कि विनाश जी जब विवेक मर जाता है, राम दाई जब विवेक मर जाता है तो उसका विनाश होना नजदीक आ जाता है, विनाश आता है विवेक मर जाता। अब इसकी स्थिति हो गई, यहाँ एनी लीडर है नॉट डन डेवलप इन द अमेठी, लेट राजीव गांधी है डन डेवलप, संजय गांधी है डन डेवलप, और उसके ऑलरेडी सोनिया गांधी है डन डेवलप, एक फ्लाई ओवर था नहीं क्या गांधी परिवार ने विकास किया, वो सी इज द ब्लाइंड, वो सी द ब्लाइंड अंधी, सी नेवर सी एनीथिंग, जिसके आईज होंगे ही विल सी, कहते हैं कि जब आदमी अधर्म के रास्ते पे चलता है तो धृष्टराष्ट्र बन जाता है, और धर्म के रास्ते पे चलता है तो युधिष्ठिर बन जाता है, बड़ा ये अधर्म के रास्ते पे है, इसलिए इनका विनाश होना है, ये आखिरी सीढ़ी चल रही है, स्मृति राहुल गांधी 7 लाख वोटों से जीतेंगे बेटी, इन 2024 राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जाएगी जेल, सी विल गो टू जेल। कह रहे हैं तो
पप्पू ने कह देखो क्या होता है कि विवेकशील अरे ही द फिल सी द पद इंटरमीडिएट सी द नथिंग सी द स्टूडेंट ऑफ द आर्ट साइड सी द नॉट नो एवरीथिंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट और वो तो ही द टॉपेस्ट वो ही द टॉपेस्ट नोट करिए मेरी आखिरी बात राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2024 राहुल गांधी विल बी द 18 ईयर अबाउट 7 लाख 8 लाख वोटों से और सी विल गो टू जेल 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 स्मृति जेल क्यों भैया नहीं नहीं भाई साहब सीधा जेल आपकी खेलो हो या इनका जेलो हो पक्का बताओ तो इनका जान लिया दीदी करें दीदी है भैया दीदी को जेल कहेगा देखा अमेठी की एक ही दीदी है नाम है प्रियंका गांधी और जो नकली दीदी आए अमेठी ठग ली ना ये सब खेल खत्म यह सास भी कर बहू थी वो ड्रामा बना ही चलेगा अमेठी की भूल है स्मृति नहीं बबूल है कमल के फूल है काहे कमल के फूल मुरझाएगा हाँ मुरझाएगा मुरझाएगा कमल बदलाव तय है 24% बदलाव तय है यहाँ से राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेसियों का लूट का अड्डा था अब उस पे क्या कहेंगे तो इनके जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी से पूछ लिया कि वहाँ मिले किससे जात रहे जो इनके मनाई वहाँ भर्ती होते मिले किससे जात रहे अगर लूट का अड्डा रहा तो कहा दुर्गेश त्रिपाठी जैसे मिले जाते लुटवा जाते रहेगा बीजेपी वाले भी बिल्कुल जाते थे रिकॉर्ड चेक कर लीजिए वहाँ दादागिरी से इलाज करवाते थे बिल्कुल तो अब बंद हो गया है क्या लग रहा है कि अब जो है वो सत्याग्रह चलता रहेगा ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस नहीं कर दिया जाएगा आप एक बात समझिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 80 बच्चे मरे मरे वहां के डॉक्टर के ऊपर FIR उनको जेल भेज दिया गया मैं पूछता हूं बीआरडी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं सीज कर दिया गया उसको भी सीज करना चाहिए पर डे ट्रामा सेंटर में आप जाइए जाते ही आपका दिल दहल जाएगा वहां पे लाशों के ट्रॉलियां निकलती रहती हैं क्या मेडिकल कॉलेज बंद हो जाता है पूरा कांग्रेस परिवार पूरा बात सुनिए हमारी पूरी पूरी संवेदनाएं मेरी उस युवती के साथ है जिनकी वहां पर डेथ हुई डेथ वहां नहीं हुई हो सकता है कि उनकी डेथ हुई जाके मेदांता में अमेठी परिवार को हिस्सा है हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं लेकिन किसी एक की गलती की वजह से सजा पूरी अमेठी को दी जा रही है और सिर्फ राजनीतिक दबाव के लिए तो स्मृति ईरानी और उनके चेले चपाटे चिलांडू जितने वो कान खोल कर सुने यहाँ कोई अमेठी का वासी दबने वाला नहीं है संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस हम लेकर रहेंगे चूंकि ये संजय गांधी अस्पताल आम जनमानस का अस्पताल है किसी एक का अस्पताल नहीं है वहां सबका इलाज होता है वहां चाहे भाजपाई हो कांग्रेसी हो सपाई हो बसपाई हो आम आदमी पार्टी का हो अमेठी के वासी के नाम पर वहां लोगों का ट्रीटमेंट होता है वो होगा और उसका लाइसेंस हम लोग लेकर रहेंगे रोकने से स्मृति को क्या फायदा होगा आप लोग स्मृति पे आरोप लगा रहे हैं अरे भैया कल उनका बयान था कल उनका बयान आया कि वहां पर जो है कांग्रेसियों की लूट की सर लूट के अड्डा बन गया है उनको यही नहीं मालूम कि कांग्रेस वो ट्रस्ट है और ट्रस्ट 1.5 करोड़ के घाटे में होने वाली चीज लूट के ओर इशारा नहीं करती अपनी भाषा पहले मर्यादित करें वो तब कांग्रेस परिवार पे आरोप लगाएं अमेठी का अस्पताल बंद करके वो मर्यादा की छुंछलाहट है क्या किसकी 100% विदाई उनकी तय इस बार क्यों भैया विदाई तय है हसिया अलग में फंस चुकी है हाँ गुड़भरी हसिया अलग में फंस गए निकल आपकी बहुत बुरी